नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल में जिसका नाम है WWE हिंदी गॉसिप्स। दोस्तों, अगर आपने किसी सुपरस्टार की टी शर्ट या फिर कोई मर्चेंडाइज बाय करना है दोस्तों, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से किसी भी लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है पांच ऐसे रेसलर्स के बारे में जो लेते हैं ड्रग्स। दोस्तों, इस लिस्ट में मैंने उन रेसलर्स को भी जोड़ा है जो शराब बहुत पीते हैं दोस्तों, और मैच से पहले जिन्होंने शराब पी रखी है। और चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में नंबर पांच पे आते हैं एक्स पाक। एक्स पाक की बात करो दोस्तों, तो वो डी जनरेशन एक्स गैंग के मेंबर थे। एक्स पाक दोस्तों जब TNA में थे, तो एक एपिसोड के दौरान जब वो एजे स्टाइल से लड़ रहे थे दोस्तों, तो वे मैथ नामक एक ड्रग्स लेकर लड़ रहे थे। इस मैच में दोस्तों ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और मैच अच्छे अच्छे से निकल गया। नंबर चार पे आता है दोस्तों हॉक। हॉक दोस्तों लीजन ऑफ डूम गैंग के मेंबर थे। ये एक टैग टीम थी दोस्तों, एक लेजेंडरी टैग टीम। और इसमें दोस्तों जो हॉक थे वे काफी शराब पी के मैचेस किया करते थे। 1992 में जब वे टेड डीबियासी के खिलाफ लड़ रहे थे दोस्तों, तो उनके रेसलर यानी टेड डीबियासी ने शिकायत की कि उन्होंने काफी शराब पी रखी थी। नंबर तीन पे आता है दोस्तों स्कॉट हॉल। स्कॉट हॉल दोस्तों ड्रग से काफी संबंधित है, वे काफी कुख्यात रहे हैं 90s में ड्रग्स के कारण। एक इंडिपेंडेंट मैच के दौरान क्या हुआ दोस्तों कि स्कॉट हॉल इतनी शराब पिए हुए थे दोस्तों कि वे रिंग में भी बड़ी मुश्किल तक पहुंचे। इसीलिए दोस्तों नंबर तीन पे आते हैं स्कॉट हॉल अपनी शराब की लत के कारण। नंबर दो पे चलते हैं। नंबर दो पे आता है दोस्तों सैंडमैन। तो सैंडमैन दोस्तों इसी W लेजेंड है, वे हमेशा बियर लेकर एंट्रेंस लेते हैं। बियर से ज्यादा नशा नहीं चढ़ता दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें इस लिस्ट में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को नहीं जोड़ा। तो दोस्तों ये बात है नवंबर टू रिमेंबर एक पेपर व्यू की जो कि 1995 में हुआ था। इसमें दोस्तों सैंडमैन LSD नामक ड्रग लेकर आए थे और उन्हें लग रहा था कि साबु एक छिपकली है दोस्तों। तो नंबर दो पे आते हैं सैंडमैन अपनी ड्रग लेने की लत के कारण। नंबर एक पे चलते दोस्तों, नंबर एक आपको चौंका देगा। नंबर एक पे आते हैं जेफ हार्डी। जी हाँ दोस्तों, जेफ हार्डी बहुत बड़े ड्रग एब्यूजर है और उनके जिंदगी का जो सबसे बुरा मोमेंट आया दोस्तों वो ड्रग के कारण ही आया, और वो आया दोस्तों स्टिंग वर्सेस जेफ हार्डी विक्टरी रोड 2011 के पेपर व्यू में, जिसमें दोस्तों वे मैच के शुरुआत में इतने नशे में थे जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि मैच ढंग से शुरू भी नहीं हो पाया। इस मैच की शुरुआत में ही एरिक बिशॉफ को मैच के बीच में आना पड़ा और उन्होंने इस मैच को नो होल्ड्स बार्ड बताया, और मैच दोस्तों कुछ 5 या 6 मिनट में खत्म हो गया, जिसमें दोस्तों स्टिंग उन्हें आसानी से हरा देते हैं। तो दोस्तों आपको लिस्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शब्बा खैर।